धन धन बाबा श्री चंद जी। अज असी साध संगत जी नूं श्री गुरु नानक देव जी दे नाल संबंधित साखी दसन जा रहे हाँ। जदों श्री गुरु नानक देव जी अरब की यात्रा ते गए तां कूफे शहर दे सब तो वड्डे काजी नूं जदों गुरु नानक देव जी दे बारे पता लगा तां उसने श्री गुरु नानक देव जी दे विरुद्ध फतवा जारी कर दिता, क्योंकि लोगों ने उन्होंने गुरु नानक देव जी के विरुद्ध कई गल्लां दसियां। काजी ने श्री गुरु नानक देव जी के विरुद्ध फतवा जारी किया। उसने कहा कि जो भी गुरु नानक देव जी दे कोल जाएगा उसनू काफर गरदारिया जाएगा, इस्लाम तो खारज कर दिता जाएगा। यह बचन धीरज अते दया दे मालक जदों बाबा नानक जी ने सुने तां उह मुस्कुराए अते मुस्कुरांदे हुए चुप रहे। आले दुआले संगतां गुरु नानक देव जी दे दर्शन करदियां रहियां। हजूर चुप करके बैठे रहे अते प्रभु भगती विच लीन रहे। कुछ समा बीतिया, गुरु नानक देव जी नूं आन के एक व्यक्ति ने दस्या कि महाराज काजी दे पेट विच बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, कई दिनों तो वह बीमार है, काजी सख्त बीमार हो गया। जदों श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द सुने कि काजी बीमार है, तो बाबा नानक जी आप तुर पे काजी का पता लैन वास्ते। भाई मरदाना जी भी उन्हां दे नाल तुर पे। जदों वह दरवाजे ते पहुँचे तो गुरु नानक देव जी ने जाके काजी दे बारे पुछया। उस दी सोटी पुत्री ने दरवाजा खोलिया अते गुरु नानक देव जी दे जदों उसने दर्शन किए तो वह निहाल हो गई। 11 साल दी बच्ची नूं पुता दे पीर दे दर्शन होए। जदों उसने अपने पिता जी नूं जाके दस्या कि तुहानूं कोई मिलन आए हन, तां उसने कहा कि पहला उसका नाम पुछो। जदों वह बच्ची गुरु नानक देव जी दे कोल आई अते श्री गुरु नानक देव जी नूं कहिंदी है कि हे साईं, तुहाडा की नाम है, तुहानूं पिता जी किवें मिल सकते हैं, तुहाडा नाम पहला तुसी दसो अपना नाम। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरा नाम नानक है। जदों यह शब्द जा के अपने पिता जी नूं उस बच्ची ने दसे तो उसके पिता जी नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसनू पता सी कि उसने बाबा नानक जी दे विरुद्ध फतवा जारी किया है। उसनू बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने मिलने तो इनकार कर दिता। बच्ची ने गुरु नानक देव जी नूं आन के कहा कि हे साईं, मेरे पिता जी ने तुहाडे विरुद्ध बहुत शब्द गलत वरते हैं, मैं तुहानूं नहीं दस सकती, कृपा करके तुसीं वापस जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुसीं अपने पिता जी नूं कहो कि असीं मुआफ़ी मंगण आए हाँ। जदों यह शब्द बच्ची ने जाके कहे तां काजी बहुत ज़्यादा खुश होया। उसकी बच्ची दे राही काजी ने सुनेहा भेजा कि जाओ अते उस नूं आउण दी आग्या दिओ। बच्ची श्री गुरु नानक देव जी दे कोल आई अते बोली कि हे साई, तुहानूं मेरे पिता जी मिलना चाहुंदे हन, तुसीं कृपा करके अंदर आओ। श्री गुरु नानक देव जी काजी दे कमरे दे अंदर पहुँचे। जदों ओह गुरु नानक देव जी दे दर्शन करता है तां ओह निहाल हो जाता है अते गुरु नानक देव जी नूं मिलन वास्ते उठन दी कोशिश करता है। उस नूं असली ज्ञान हो गया। जदों श्री गुरु नानक देव जी ने उस नूं अपनी बुकल विच लिया तां ओह की देखता है कि ओह जन्नत दे रस्ते जा रहा है, नरकां दे दूत उस नूं नरकां विच धक्क रहे हन। पिछों आवाज़ आउंदी है कि इस नूं बख्श दिता गया है। दूतां ने कहा कि यह किवें हो गया, कुछ ही समय विच किवें बख्शन हो गया। तां दूतां ने कहा कि इलाही फकीर एक धरती ते गए हुए हन, उन्हां दे इस नूं दर्शन होए हन, इस करके इसका बख्शन हो गया है, हुण यह नरकां विच नहीं जन्नत विच जावेगा। इस तरह उस काजी नूं मुक्ति प्राप्त हुई।
यह गल पूरे शहर विच फैल गई कि एक खुदा दा बंदा साढ़े शहर विच आया होया है, जिस दे करके काजी दी कई दिनों तो जो दर्द हो रही सी उस तो उसनू मुक्ति हुई है। इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने इलाही संदेश सब तक पहुँचाया। धन धन बाबा श्री चंद जी।